Hi, it's me Abdu Gulab, and in this video I'm going to share 5 easy tips for students. और ये बहुत ज़्यादा 5 easy tips होगा आपके exam के लिए भी. मुझे as a teacher बहुत सारे बच्चों का message आता है, और मेरे को यूट्यूब चैनल है Global Classes Abdu Gulab पे, उस पर बहुत सारे बच्चे मुझे message भी करते हैं, comment करते हैं, सर अक्टूबर का मंथ आ चुका है, अब कुछ समय के बाद एग्ज़ाम है. और बहुत सारे बच्चों का बिहार बोर्ड का मैसेज आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरा मेन चैनल एमडी गुलाब है उस पर मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं, क्योंकि ये आपके जो भी मेरे व्यूवर्स है शायद आपके बच्चे के लिए काम आ सकता है, या जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपके फ्रेंड और आपको भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा. देखिए, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि मैं इस वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूं कि आप ज़रूर शेयर करें. चलिए, 5 इजी टिप्स में पहला होना चाहिए कि हाउ टू स्टडी मिनिमम टाइम. हम कैसे कम समय में बेस्ट पढ़ाई करें मिनिमम टाइम में. आप देखो, बहुत कम समय रहा है, 2 महीना डीप वर्क कर लो, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेज नहीं आया, थोड़े बहुत देख लो, नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट आता है आपके, क्योंकि हम भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें मैसेज करते हैं अच्छे अच्छे PDF, तो उसमें बच्चों लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है. कम समय में आप डीप वर्क करें, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ाई करें, तो मिनिमम टाइम आपको बेस्ट करना है. टाइम टेबल क्या होना चाहिए दूसरा आपका, आपको कोई भी टाइम टेबल, आपको रात में ही पढ़ना बहुत ज़्यादा पढ़ो, दिन में ही सुबह उठ के 2 बजे से पढ़ना पढ़ो, टाइम कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ 7 से 8 घंटा आपको पढ़ना है. जैसे इंटर वाले का भी एग्ज़ाम आने वाला है, बिहार बोर्ड का 10th वाले का आने वाला है, फरवरी या मार्च में होता है एग्ज़ाम, ठीक है, तो फरवरी में जब एग्ज़ाम होगा आपके पास समय कम है, उसमें अच्छा करना है तो आप जो एकदम डीप वर्क एकदम ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद कीजिए, ठीक है. आप जैसे 12th वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप हर एक सब्जेक्ट को लेके चलोगे. अगर आप सिर्फ मैथ पढ़ लिया, इंग्लिश छोड़ दिया, हिंदी छोड़ दिया और सब्जेक्ट छोड़ दिया, तो आपका स्कोर कहाँ होगा. तो स्कोरिंग सब्जेक्ट तो यही सब होता है, आपको सबको लेके चलना है, एक ही बैलेंस करके रखिए. दूसरा, तीसरा, अब हम सिलेबस. आपको कहोगे सर हम सिलेबस पढ़ें या एग्ज़ाम का पैटर्न पढ़ें, आपको जो सिलेबस है आप पहले कंप्लीट कर लो इस मंथ में ही, अगले मंथ में ये सबसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, इसी मंथ में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, बात समझ गए. उसके बाद जो है अपना जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, जो चीज़ ज़्यादा आएगा उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए. तीसरा आपको क्या करना, चौथा आपको क्या करना, स्मार्ट स्टडी हार्ड वर्क स्टडी. आप ज़्यादा मेहनत मत करो, स्मार्ट करो, जो एग्ज़ाम में आएगा, जो देखो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो रहा है, जो ज़्यादा इससे लड़ रहा है, आप उसको ज़्यादा याद करो, बात समझ रहे हो. और उसके बाद पाँचवा जो बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव को बैलेंस करो. मैं कहूँगा कि आप जो है ऑब्जेक्टिव को भी बैलेंस करें, और 1 घंटा अगर आपने ऑब्जेक्टिव याद किया तो आप ज़रूर 1 घंटा सब्जेक्टिव को भी समय दें. ऑब्जेक्टिव अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो ना, तो उसी में ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है. जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें जैसे लिखा हुआ है इसका SI मात्रक क्या है, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिल ही गया ना. आप बड़ी बड़ी थ्योरी लिख रहे हो तो उसमें तो वो सब मेंशन करना होता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव बन गया, बात समझ रहे हो. तो आप जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को बैलेंस करो, और जितने भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आपका जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो 12th वाले का है या आर्ट्स वाले का जो भी है, सोशल साइंस वगैरह, तो आप उसको भी बैलेंस कर रखो. एक सब्जेक्ट में रहोगे तो नहीं होगा. जो आपको हार्ड लगता है वही सुबह जल्दी पढ़ लो, हार्ड जो लगता है आपको सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता सुबह पढ़ लो, उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप मेहनत करते रहो. तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करें, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है एग्ज़ाम के लिए. और अगर आपको अपने परसेंटेज में और इम्प्रूवमेंट करना है तो मैं एक क्रैश कोर्स है जो मेरा एक चैनल, आप उस पर सर्च कर सकते हो, मैं लिख रहा हूँ ग्लोबल क्लासेस एमडी गुलाब, आप इस पर सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा. और हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं मुझे. आपको इस पे PDF नोट्स सारी चीज़ें मिलेंगे. सो दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू. शेयर करो, जो आपके दोस्त है, अगर आप किसी रिश्तेदार अगर देख रहे हैं, आपके अगर रिश्तेदार में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बिल्कुल शेयर करो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है. थैंक यू.